Papad Gathiya ki curry is a very quick to make Rajasthani recipe which is like just a 5-minute thing to do. अगर आपके पास घर में कोई सब्जी नहीं है और टाइम की बहुत कमी है, गेस्ट आ गए हों, दिस रेसिपी इज परफेक्ट टू मेक फॉर दैट. तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है हमें अपनी पापड़ और गठिया की करी. यहाँ पे मैंने कुछ पानी ऑलरेडी बॉईल के लिए रखा हुआ है और ये ऑलमोस्ट बॉईल पे आ चुका है और ये मैंने कुछ पापड़ छोटे टुकड़ों में कट करके रखे हुए हैं. तो जैसे ही ये पानी बॉईल आ जाए हम ये पापड़ इसमें डाल देंगे और इनको 2 से 3 मिनट या उससे भी कम जब तक ये गल जाएँ बस पका लेंगे और निकाल लेंगे बाहर. पापड़ मैंने डाल दिए हैं इसमें और इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो जस्ट कीप अ वॉच ये ज़्यादा ना गल जाए, बस जब तक ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए बस तब तक इनको पकाना है. पापड़ अब पक गए हैं, अब हम इनको एक बोल में निकाल लेते हैं बाहर. मेक श्योर कि हम पापड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना वो बिल्कुल घुल जाएंगे और करी में पता ही नहीं चलेंगे. तो बस जब हल्के से पक जाएँ पापड़ तब इनको आप बाहर निकाल लीजिए. अब पापड़ हमारे पक गए हैं, अब हम इसके लिए एक करी बना लेते हैं. उसके लिए एक पैन को मैंने गैस पे रखा और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल. ये करी बहुत ही कम ऑयल में बन जाती है तो इसलिए हेल्दी भी बहुत है. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बेसन इज़ अ वेरी पॉपुलर इन्ग्रीडियंट टू यूज़ इन राजस्थान. और जो ये हमारे पापड़ हैं ये तो उड़द दाल के पापड़ हैं, लेकिन इसके संग जो हमने गठिया यूज़ करी है ये बेसन की बनी हुई है. गठिया इज़ नथिंग बट बेसन के थोड़े मोटे से सेव. अगर आपके पास ना हो गठिया तो आप रतलामी सेव या कोई भी प्रकार के मोटे सेव यूज़ कर सकते हैं. तो हमारा तेल अब यहाँ गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा. ज़ीरा हमारा क्रैकल हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे हींग और इसको थोड़ा सा भून लेंगे 1 या 2 सेकंड. और अब हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, कुटी हुई मेथी दाना और इसको 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे. ये करी बहुत ही जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें कुछ भूनने के लिए ज़्यादा है नहीं, ना प्याज है ना कोई ज़्यादा मसाले हैं. तो बस अब हम इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा फिटा हुआ दही. अब इसको थोड़ा चला लीजिए ताकि दही सेपरेट ना हो. और अब हम इसमें डाल देते हैं बाकी के मसाले जो कि है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना ज़ीरा और धनिया पाउडर. और अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक. इस मसाले को हम 1-2 मिनट भून लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी. और विल जस्ट ब्रिंग इट टू अ बॉयल. और जब हम ये करी बना रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टिप और ट्रिक और बताती हूँ. जब भी हम दही डालते हैं अक्सर उसके फटने का बहुत चांस रहता है, तो आप दही को जब भी व्हिस्क करें उसमें 1 टीस्पून मैदा डाल दें, आपका दही बिल्कुल नहीं फटेगा. हमारी करी बॉयल पे आ चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे जो पापड़ हमने बॉयल किए थे थोड़ी देर पहले. और ये पापड़ गए इसमें और साथ ही में हम डाल देते हैं अपना गठिया सेव. सेव डालने के बाद इस करी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है वरना सेव बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और घुले घुले हो जाएंगे. और इस करी को आप जैसे ही बनाएं एकदम गरम गरम सर्व करें वरना जो उसमें गठिया है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी और फिर उसको खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा. तो जैसे कि आपने देखा ये करी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में बन जाती है, तो अपनी पूरी तैयारी रखें और खाने के जस्ट 5 मिनट पहले इसको बनाएँ और तुरंत सर्व करें. इसको आप हरे धनिया से गार्निश भी कर सकते हैं और ये हमारी पापड़ गठिया करी तैयार है. I hope you like this simple recipe. If you liked it, do give us a thumbs up. If you have any question or queries, do leave me a comment and I'll definitely revert back. Do not forget to share this video with your foodie friends on all the social media channels and do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.